Then I do. Okay, thank you so much. Wait, ma'am. Ma'am, wait. सर 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 ए एक मिनट यार, आप रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, पहले काम हो जाने दो। सर सर थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ मंजिरी एकत्र करू। थोड़ा टर्न, थोड़ा टर्न सेंटर, यहाँ पे सेंटर में थोड़ा राइट टर्न, यहाँ पे सेंटर मंजिरी या बोथ ऑफ यू नाउ सेंटर में एकदम सेंटर मंजिरी 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 से मंजिरी एक सिंगल को सोलो करो। ओके थैंक यू। मंजिरी स्ट्रेट, मंजिरी थोड़ा लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न थोड़ा लेफ्ट टर्न। हाँ मंजिरी समोर मंजिरी इकडे मंजिरी मंजिरी समोर प्लेटफॉर्म में लगना चाहिए ना, बाहर है क्या पे लेफ्ट में मनु जिसके में मनी स्ट्रेट मनी सेंटर मनीष आकर मनीष 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 मैं जिसका थैंक यू मंजिरी या मंजिरी राइट कॉर्नर मंजिरी इकड़े आता समोर वन सेकेंड मंजिरी या यो यो मंजरी स्ट्रेट मैम सेंटर 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 यहाँ पे आप सेंटर सेंटर कीजिए मैम सेंटर थैंक यू गेट तो खोलो अभी सूरज डेविड सर तेरी बोल सर सामने कम कम वो फोटो इतनी लग कर छत आ जाओ बस 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 राइट राइट सर 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 इकडे सर सर इथे इथे सर नंतर बोल सर सर डायरेक्टर साहब डायरेक्टर साहब पीछे ना थोड़ा फास्ट पीछे ना थैंक यू डेविड सर डेविड सर सर यहां पे सर यहां पे सर राइट पे पीछे आ रहे ब्लैक ब्लॉकर सर डेविड सर यहां पे डेविड सर डेविड सर यहां पे डेविड सर यहां पे सर राइट सर यहां पे डेविड सर यहां पे सर यहां पे लगे आनंद सर यहां पे राइट में सर यहां पे आनंद सर राइट सर आनंद सर यहाँ पे राइट साइड सोलो जी मैम 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 बस रुक गया दिस साइड फोटो क्या मैम इकड़े बघा ना मैम मैम इकड़े आता
बाबा ब्लैक शिप के मौके पर आप बताइए। बाबा ब्लैक शिप एक तो मेरे दोस्त की फिल्म है तो मैं थोड़ा सा बायस हो सकता हूँ, बट फिर भी मुझे सिर्फ एक बात समझ में आती है कि यार लाइफ में जब भी हंसने का मौका मिले तो हंस लिया करो, और बाबा ब्लैक शिप बहुत सारे मौके देती है हंसने के। सो मैंने इन्जॉय की है फिल्म और मुझे लगता है ऑडियंस भी हंसेगी जैसे मैं हंसा हूँ। आप कैसे हैं सर? जिस प्रोजेक्ट से आप देखते हैं, मतलब कोई विशेष बात ज़रूर रहती है, आपकी फिल्में हों जो आपके प्रोडक्शन बनी हो या खुद ने बनाई हो, काफ़ी इसका जस्ट क्या रहेगा इस फिल्म का? मुझे जितना मैं समझ पाया हूँ इस फिल्म को देख के, ये एक बहुत मज़ेदार फिल्म है, बहुत दिल से बनाई हुई, एक जिसको हम रियल सेंस में एक लाइट हार्टेड फिल्म कहते हैं, वैसा इसने आपको महसूस कराया। और जितनी देर आप देखते हैं आप एक दुनिया में रहते हैं, और विद एक्टर्स लाइक मनीष और खेर साहब एंड अनुजीत, तो आपको लगता है कि यार इनके तो खून में एक अजीब सी लाफ्टर है, आप इनसे मिलते हैं और आप हंसते हैं। सो बिकॉज दे अंडरस्टैंड लाइफ सो वेल, सो इट्स अ फन राइड, सो यू विल एंजॉय। आपकी फिल्में भी मतलब आपने हमेशा ऐसी फिल्मों को बढ़ावा दिया, सपोर्ट किया है जिनके विषय वस्तु भी अलग रहे हैं और भटके भी रहे हैं। हाँ, मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि मुझे उस तरह की कहानियाँ मिलें या मैं उन कहानियों के साथ जुड़ूँ जो वो वाले पल आपको दे सकें, उन दो घंटों में आपको मैं वैसा महसूस करा सकूँ कि एक 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 अजीब सी फ्लाइट आपको दे पाएँ। तो बस वही है, अपनी मिडिल क्लास सराउंडिंग से जो उठा के ला पाता हूँ वो ले आता हूँ। पिछला साल काफ़ी ठीक रहा आपके लिए, कई फिल्मों ने सफल किया, टचवुड सारा अच्छा माहौल रहा। जी, कोशिश यही रहेगी कि इसी तरह से आने वाले सालों में भी मेरे प्रोडक्शन हाउस से ऐसा ही कुछ आता रहा। अभिषेक, टैगलाइन भी है सर कि काले हैं पर दिल वाले हैं कितना, और हम देख रहे हैं कि बहुत पहले से भी काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले, बहुत सारी ऐसी लाइनें आती हैं जी, कितना बिलीव करते हैं आप इन सारी लाइनों में? मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि मैं इस फिल्म के बारे में इसके बाद ज़्यादा ना बोलूँ और ऑडियंस तक ये फिल्म वैसे ही पहुँचे, फ्रेश पहुँचे, और वो ओपन माइंड के साथ देखें, और जो ये इसका ट्रेलर या जो ये एक्टर्स प्रॉमिस कर रहे हैं वो सब फिल्म में। प्रॉमिसिंग की बात की आपने, तो एक और बड़ा मतलब अच्छा कि अभिषेक बच्चन आपकी फिल्म से वापस लौट रहे हैं, बड़ा एक अच्छा अनुभव रहेगा उनके लिए और आपके लिए भी शायद। हाँ, पता नहीं क्यों कह रहे हैं कि वो लौट रहे हैं, वो तो हमेशा से यहाँ थे, मतलब दो साल बाद, मतलब हाँ। थोड़ा ऐसा लोगों को मतलब उन्होंने हाँ, मुझे कमिंग बैक ऐसा हाँ, पर अच्छा रहता है एक एक्टर के लिए अपने हिसाब का, उनको जो जितना गैप चाहिए था लेना, और अच्छे खासे टैलेंटेड एक्टर हैं और मैं उनके साथ हमेशा से जुड़ना चाह रहा था, और ये अब इस स्क्रिप्ट से हम जुड़ पा रहे हैं विद अनुराग्स डायरेक्शन। ये सब लोग पूछना चाह रहे थे जीरो के हाँ बारे में। हाँ, ये मैं वेट कर रहा था जीरो का, थोड़ा और इंतज़ार कीजिए, मैं बिल्कुल पहुंच चुका हूं वहां पे जहां पे मैं आप लोगों से खुल के बात कर पाऊंगा। मुझे एक दो महीने और लगेंगे, मैं अपनी फिल्म की शूट पूरी कर लूंगा और मेरे पास बहुत सारा है बोलने के लिए। हम लोग कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आप सोचिए तो सही ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा फिर हम लोग नहीं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो ये इस वक्त प्रॉमिस कर रही है फिल्म उससे ज़्यादा आपको डिलीवर कर पाऊँगा। अच्छा सर, जो टीज़र आया है अभी तक जो हमारे सामने आया है, इंडस्ट्री से क्या फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से शाहरुख प्रेजेंट होते हैं और गाने गाते हैं? मुझे फीडबैक तो बहुत ही अच्छा आ रहा है, पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस बार मैं ऑडियंस को वो दे पाऊँ जो मेरे दिल के अंदर चल रहा है पूरा का पूरा, और विद शाहरुख सर मुझे लग रहा है कि मैं वो अचीव कर पा रहा हूँ। हम लोग जो फिल्म बनाते वक्त जो हमें मौज आ रही है, जितना मज़ा आ रहा है, जो मैं हमेशा तलाशता रहता हूँ, वो मुझे पूरी मिल रही है, और मुझे उम्मीद है कि हम वो सारी चीज़ें पर्दे पे उतार पाए। अंतिम दो प्रश्न छोटे छोटे ही हैं, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, हाँ। नया मीडिया मैनेजर रख लिया आपने, मतलब हाँ उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है कटरीना को ये करने में, और थैंक्स टू द एंटायर टीम, थैंक्स टू हर, वो सेट जितनी एक टेक्निकली मुश्किल फिल्म हो सकती है, इमोशनली भी मुश्किल फिल्म है, ऐसे लोग जुड़ने बहुत ज़रूरी थे जो सेट पे एक ऐसा माहौल बना के रखें, और वही कटरीना कर रही हैं, बिल्कुल एक दोस्ती वाला माहौल और एक मौज वाला माहौल सेट पर रखती है। सो विच इज़ सो नाइस ऑफ हर एंड नाइस ऑफ द एंटायर टीम टू हैव दिस काइंड ऑफ एटमोसफियर ऑल अराउंड। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक अंतिम प्रश्न, माधुरी जी अब श्रीदेवी जी के रोल में दिखाई देंगी शिद्दत में, जो करण जौहर बना रहे, एक अच्छा है एक आर्टिस्ट के लिए कि उस मतलब वो करे मतलब उसकी मतलब वो मतलब
पहली बात तो वो एक इस वक्त उस बारे में बात करते हुए थोड़ा सा आप इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वो अपने आप में इतना बड़ा लॉस है, पर फैक्ट ये है कि श्री मैम हमारे साथ हमेशा रहने वाली हैं और उन्होंने जो दिया है, जो उनके जिन्होंने उनके साथ नहीं काम किया है उन्होंने भी उनसे इतना सीखा है कि जितना बोलूँ उतना काम है. सो एनीबडी प्लेइंग हर रोल कैन बी अ ब्लेसिंग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट हाँ, ये एक ऐसा लॉस है जो थोड़े टाइम तक आपको बहुत सताएगा और मुझे तो अब लगता है कि जब मौका मिले श्री मैम की फिल्म देख लूँ और ऐसे लगें कि वो हमारे साथ. जानवी भी हमें अपडेट करती रहती है, इन्हीं चीज़ों आज जानवी नहीं बताया हमें कि माधुरी जी विल बी डूइंग द फिल्म एंड द फिल्म द फैमिली इज आल्सो सपोर्टिंग माधुरी जी कमिंग इन हर शूज. कोई बहुत ही काबिल एक्टर ये कर सकती थी और अगर ये है और अगर ये हो रहा है तो ये बेहतर ही हो रहा है. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू. कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी फिल्म जल्दी आने वाली है. बहुत सारे लोगों का ऐसा पूछना था कि बाबा ब्लैक से ये नाम ही रखना कोई खास वजह, आपसे जानना चाहिए, आप बताइए. बहुत ही सिंपल बात है, हीरो का नाम बाबा है और सारे कैरेक्टर्स ब्लैक हैं इसलिए बाबा ब्लैक शिप. कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस, मनीष पॉल है और भी सारे स्टार कास्ट हैं? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. अनुपम खेर, अनु कपूर, के मेनन, मंजरी फडनेस, मनीष पॉल, इन सब के साथ काम करके बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. आनंद जी जिस फिल्म की प्रशंसा करें निश्चित ही उस बात समय कोई ना कोई बात होगी, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आना मेरे ख्याल आपके लिए भी एक उत्साहवर्धक होगा. चुप रहो भाई साहब, साइलेंस, सॉरी. उत्साहवर्धक रहेगा आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल. एक्चुअली आनंद एक बहुत पुराने दोस्त भी हैं मेरे और मुझे पता है कि वो बहुत ही क्रिटिकल है मेरे काम का, इसलिए उनकी तरफ से अगर कोई भी प्रशंसा आ रही है तो आई थिंक इट्स अ बिग बिग अचीवमेंट फॉर मी. अब तो टोटल 4 दिन लगे, मतलब अपने पूरे कंट्रोल में है या कहीं ना कहीं आपको मतलब नर्वसनेस या कुछ ऐसा अति उत्साहित ऐसा कुछ आ रही है? नहीं, एंग्शियस तो हूँ क्योंकि मेरी पहली फिल्म है एज अ डायरेक्टर, मैंने लिखी भी है मेरे दोस्त के साथ संजीव के साथ और थोड़ी बहुत एंग्शियसनेस तो है बट नर्वसनेस बिल्कुल नहीं. अभी तक कितने लोग देख चुके हैं फिल्म? ये पहली स्क्रीनिंग है आज एक्चुअली. हाँ, ये पहली स्क्रीनिंग है आज एक्चुअली. कुछ और फिल्में भी रिलीज होंगी 23 तारीख को, उनसे आपको किस तरह से लग रहा है कि लाइक फिल्म रिलीजिंग विद 2-3 मोर फिल्म्स, हाउ विल इट इफेक्ट एंड हाउ? मुझे ऐसा लगता है कि हर फिल्म अपने मेरिट पे चलती है और अगर फिल्म अच्छी है तो कोई उसे रोक नहीं सकता और सारी फिल्में चलनी चाहिए, हम सब एक ही इंडस्ट्री हैं तो मैं तो ये चाहूँगा कि सारी फिल्में लोग जाके देखें. इसके बाद कुछ और सोच लिया आपने भाई साहब, कुछ और सोचा है कुछ करने के लिए, इसी का दूसरा कोई पार्ट बनाने का? आजकल ट्रेंड है एक्चुअली पार्ट 2 बनाना, बट अभी तक कुछ ऐसा सोचा नहीं है और ये पहले रिलीज कर लें 23 मार्च को, उसके बाद देखते हैं. कास्ट को पकड़ लेना, माने हिट हो गए तो निकल जाएंगे. सही बात है, सही बात है, बिल्कुल. थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच. लुकिंग फॉरवर्ड 22nd ऑफ मार्च. आप उसे निकॉस के लिए करेंगे ना? सर एक मिनट, सर एक मिनट. कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू. आपके अभी की डेब्यू फिल्म जो है अब जल्दी आने वाली, तो क्या फील करती हैं आप इस मौके को और कितना इंजॉय करती हैं आप? जाहिर है बहुत इम्पोर्टेंट दिन है 23 मार्च हमारे लिए, मेरे लिए खासकर, क्योंकि जब से उन्होंने पहला सीन लिखा खुद इस फिल्म का जिसे हम पहला ड्राफ्ट कहते हैं, तो तब से लेके आज तक की जर्नी मैं उनके साथ रही हूँ घर पर. सो इट जस्ट फील्स वेरी नाइस. ऑफकोर्स एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आप एक, जैसे कहते हैं जब हम बिल्डिंग खुद बांधते हैं, तो जब वो फाइनल कंप्लीट होती है, कंप्लीटली पेंटेड होती है एंड रेडी फॉर डिस्प्ले होती है, वैसी वाली फीलिंग है. ऑफकोर्स बहुत एक्साइटेड हूँ, थोड़ी सी नर्वस हूँ, मिक्स फीलिंग्स हैं, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. आपने देखी फिल्म? हाँ जी, मैंने देखी. ओके, तो कैसा, जब देखने के बाद कुछ डिबेट भी होती है कि अरे आपने बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई, यहाँ पे कुछ कमी, आप बताइए, ऐसा कुछ कभी डिबेट होती है? मैं अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहूँगी यहाँ, बट इतना ज़रूर कहूँगी कि एज अ फर्स्ट फिल्म, एज अ राइटर डायरेक्टर, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ फिल्म. एज एन एक्टर, क्योंकि मैं खुद एक एक्टर हूँ तो ऑब्वियसली मेरा एक
देखने का नज़रिया कम्प्लीटली अलग है, क्योंकि मैं एक एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ हमेशा. तो ऑडियंस पे ऑफकोर्स डिपेंड करता है, बट आई एम श्योर कि इतने अच्छे एक्टर्स हैं इस फिल्म में, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंसेज हैं, और वेदर अनु जी, अनुपम सर, के मंजरी, मनीष, सब ने और हर छोटे छोटे किरदार ने इतना अच्छा काम किया है कि आई रियली विश मैं इस फिल्म का हिस्सा बन पाती. लेकिन मेरे लायक कोई रोल नहीं था आई गेस, बट यही कहूँगी कि इट इज़ अ वेरी ऑनेस्ट एफर्ट, एंड आई एम श्योर ये थोड़ी सी अलग स्पेस है, कॉमिक थ्रिलर है, कॉमेडी के साथ साथ थ्रिल एलिमेंट भी है. तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. आई कैन ओनली विश फॉर द बेस्ट एंड आई कैन प्रे टू गॉड दैट वी should be extra blessed. आनंद जी यहाँ पर आए और भी कई सारे लोग आ रहे हैं, सभी ने सभी विश्वास जी को काफ़ी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं और उनके इस पहली फिल्म को काफ़ी विश कर रहे हैं. कैसे देखती है आप इन सारी चीज़ें? बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि सालों की पहचान है और वो हमको काफ़ी सब अरसे से जानते हैं. जैसे डेविड सर के साथ मैंने काम किया है जुड़वा 2 में, तो डेविड सर इज़ ऑलमोस्ट लाइक फैमिली नाउ. आनंद जी को हम ऑलमोस्ट 20 साल से पहचानते हैं, तो और भी कई सारे शिवम जी हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं. जस्ट फील्स वेरी नाइस, क्योंकि एक जैसे हम कहते हैं ना, एक सपोर्ट मिलता है कि आप जो कर रहे हो आप सही ट्रैक पे हो. खैर बॉक्स ऑफिस पे क्या होता है क्या नहीं, ये तो हर फ्राइडे की एक नई स्टोरी होती है. बट यस, ये ज़रूर है कि आपने जो एक ऑनेस्टली मेहनत की है वो रंग लाई है, और ऐसी रिलीज़ मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है किसी भी नए डायरेक्टर के लिए. सो आई कैन ओनली विश माय हस्बैंड ऑल द बेस्ट. जी, आपको हम देखेंगे एज एन डायरेक्टर, एज एन सिंगर, एज एन आप बताइए, क्योंकि हम आजकल देखते हैं एक एक्टर जो है ढेरों सारी चीज़ें. मैं कथक डांसर तो हूँ ही, आई एम श्योर आप जानते हैं. गाना तो ऑब्वियसली मैंने सीखा ही है, बट है दिमाग में है. एज अ सिंगर तो खैर नॉट एज अ प्रोफेशनल सिंगर, बट यस कुछ महीनों से ऐसी इच्छा है कि मैं कुछ गाऊं, लेकिन नॉट एज अ डायरेक्टर फॉर श्योर. डायरेक्टर तो घर ही में है अब. जी बिल्कुल. तो सुनाती हैं आप विश्वास जी को कि ये वो बहुत अच्छा गाते हैं, उनसे गवाइए. वो कंपोज बहुत अच्छा करते हैं. मैं हो सकता है, मैंने तो उनसे कहा था कि इस फिल्म के लिए अपना एक गाना जो उन्होंने इनफैक्ट कुछ 4-5 गाने कंपोज किए हैं, लिखे हैं, तो वो कह रहे हैं कुछ तो अगली के लिए रखूँ. ओके मैम, जैसे कि आपने कहा वी आर फैंटास्टिक कथक डांसर, और हमने आपका झलक ABCD 2 में भी देखा था. हाँ जी. और ABCD 3 की अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है वरुण धवन. हाँ और कैटरीना. हाँ कैफ के लिए. आज, तो हाँ क्या जी. कहना चाहिए फ्रेश पेयरिंग के लिए? वाओ, मैंने इनफैक्ट आज सुबह ही रेमो सर को मैसेज किया, वरुण को मैसेज किया, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेटेड देम. और मैंने ये भी कहा कि काश मैं भी ABCD 3 में हूँ, भले फ्लैशबैक में क्यों ना हो, बिकॉज ABCD 2 में ऑब्वियसली मैं थी फ्लैशबैक में. तो यू नेवर नो. तो मैं तो फिंगर्स क्रॉस्ड हूँ कि आई विश, बट ऑफकोर्स कैटरीना एंड वरुण आर गोइंग टू मेक अ लवली पेयर, एंड रेमो इज़ ब्रिलियंट. तो मतलब एज अ डांसर तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ मतलब ABCD 2 ही इतनी बढ़िया थी, तो 3 इज गोइंग टू बी रॉकिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मनीष जी क्या फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि जस्ट अभी आनंद जी ने हमसे बात की, उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरे दोस्तों की फिल्म है. हाँ. मनीष भी मेरे करीबी हैं और डायरेक्टर की भी उन्होंने बात जी. तो क्या फीडबैक मिल रहा है यार? अभी तक तो इंटरवल हुआ है एंड बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है. टच वुड वेरी हैप्पी. लोग सब अभी अंदर वही बात कर रहे थे, अभी तक सबको फिल्म बहुत अच्छी लग रही है. इंटरवल तक कहते हैं कि काफ़ी अच्छी पेस पे निकल गई है, सब अच्छा लग रहा है. सो बस होप करो इंटरवल के बाद भी अच्छी लगे सब. जी, काले हैं पर दिल वाले हैं. जी, वो तो आप फिल्म देखोगे पता चलेगा कितना कितने काले हैं और कितने दिल वाले हैं. एट टाइम्स सिचुएशन के हिसाब से दिल के काले भी होना पड़ता है ना. सो उस हिसाब से देखते हैं. ओके, आनंद जी ने बहुत ही अप्रिशिएट किया गया है और आनंद जी हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, मतलब मूवी में कुछ ना कुछ होता है, और आनंद जी अगर अप्रिशिएट करते हैं जी, तो कैसा महसूस करते हैं? यार बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक हमारी इंडस्ट्री के वन ऑफ द टॉप डायरेक्टर्स में है, चाहे वो प्रोड्यूस करें चाहे वो डायरेक्ट करें. आई थिंक कमाल का सिनेमा सामने लेके आते हैं. सो फील्स वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है इन लोगों की ब्लेसिंग मिले. सो बड़ा अच्छा लग रहा है अभी तो. यार अभी ना थोड़ा नम सा फील हो रहा है मुझे. वो फिल्म होती है ना तो थोड़े बटरफ्लाइज होते हैं स्टमक में, कुछ भी कहो.
वो हो रहा है। 23rd तक क्या हाल होने वाला आपका, मतलब? पता नहीं यार, लगा रहूंगा मैं तो बस, कोई नहीं देखेंगे। ओके, ये मूवी के गाने भी बहुत हिट हो रहे हैं, तो आपको अब और कब देखे आ जाएगी, क्योंकि आपके जो एल्बम आई थी जी 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 वो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था, वापस अब कब देख पाएंगे? यार अभी तो फिलहाल 23 का फोकस है फिल्म का, बाबा ब्लैक शीप। अप्रैल में एक और एल्बम निकाल रहा हूँ मैं, एक और गाना आ रहा है मेरा, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ जितने लोग हैं देखो यार, आप लोग फिल्म देखो, एंजॉय करोगे। ओके, उसके बाद आप दबंग टूर पे भी जा रहे हैं, हाँ, एक्सप्लोर आप जाने वाले हैं, जी तो जी। उसके लिए कितना एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटेड हूँ, सलमान सर के साथ जब भी जाना हो तो बहुत एक्साइटमेंट होती है। इनफैक्ट अब बस उसी की तैयारी स्टार्ट है। फिलहाल तो पुणे जाएंगे, फिल्म के रिलीज के वेरी नेक्स्ट डे पुणे में शो है, वहाँ करेंगे, देन ऑफ टू द US। पुणे की क्या कुछ तैयारी चल रही है, क्योंकि सलमान भी वहाँ होने वाले हैं, बहुत सारे कटरीना? यार हमारा वही होता है, एक फॉर्मेट होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, तो नए नए डांसेस हैं, नए नए सॉन्ग्स हैं। सो इनफैक्ट अभी 2 दिन बाद मेरे को रिहर्सल पे जाना होगा, सो वहाँ जाके मालूम पड़ेगा, बिकॉज मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर रहा हूँ रिहर्सल में बिकॉज ऑफ द रिलीज। तो थैंकफुली भाई जान से भी परमिशन है कि चलो थोड़े लेट आ जाओ, बिकॉज ही इज़ वेरी पर्टिकुलर, रिहर्सल्स अच्छे से होनी चाहिए, शो अच्छा होना चाहिए, सो बस जाके अब उसकी तैयारी में जुटेंगे। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, थैंक्स। कई सारे लोगों को फिल्म काफ़ी पसंद आ रही है, हाँ जी, आनंद एल राय जी ने कहा कि हाँ, बहुत अच्छी फिल्म है, सभी उनके काफ़ी करीबी हैं, राइट, टेक होता है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों को काम पसंद आ रहा है, फिल्म पसंद आ रही है, सो वी आर ऑल वेरी हैप्पी। तो मैं पहली बार देख रही हूँ अभी, एंड आई एम टोटली एंटरटेन्ड, एंड पता ही नहीं चला कब इंटरवल हो गया, कब पिक्चर खत्म हो गई, इट वाज अमेजिंग, इट वाज लाइक वेरी फास्ट पेस, सो या। शूटिंग के दौरान का कैसा रहा एक्सपीरियंस, आप हैं मनीष पॉल? हाँ, ओवरऑल शूटिंग वाज अमेजिंग, शूटिंग वाज अ लॉट ऑफ फन, लाइक सभी लोग जो फिल्म में फिल्म से जुड़े हुए हैं बहुत ही बहुत एंटरटेनिंग है, सब लोग बहुत मस्ती करते हैं सेट के ऊपर, सो इट्स ऑलवेज हैज बीन अ ग्रेट ग्रेट टाइम, आई मीन वी ऑल हैव हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग फॉर द फिल्म, सो वो भी वही दिख के भी आ रहा है स्क्रीन पे, यू नो। काले हैं पर दिलवाले का टैगलाइन है, इसमें कितना इत्तेफाक रखती है मंजरी जी? काले हैं पर दिल वाले, बेसिकली ये हमारे डायरेक्टर विश्वास ने ये लाइन डाली है, बिकॉज हमारी फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब में कोई ना कोई ब्लैक लाइक ग्रे शेड है, विच इज़ वाई काले हैं लेकिन दिल वाले हैं। 23rd of March को फिल्म आ रही है, एक्सपेक्टेशन रखती हैं आप? आई रियली होप, आई रियली वॉन्ट दिस फिल्म टू डू रियली रियली वेल, एंड गॉड विलिंग इट विल। थैंक यू सो मच। अरे यार कौन लाइट आ रही है? ये इधर ही रहो, किधर मत जाओ। रिएक्शन बहुत ही ब्रीजी फिल्म है, एंटरटेनिंग है, फुल टाइम पास है, और सबने काम अच्छा किया। खेर साहब तो मेरे पुराने आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा है, अनु इज़ वेरी गुड, अपना हीरो अच्छा है, हीरोइन अच्छी है, सबने फुल टाइम पास है, डायरेक्टर ने भी अच्छा काम किया, पहली बार म्यूज़िक इज़ गुड, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म, 2 घंटे की फिल्म, सो आई थिंक सेल्स ऑफ वेरी वेल, इट्स अ गुड फिल्म। डेविड जी, जैसा कि आज ही अनाउंसमेंट हुआ है, वो सब मेरी पिक्चर थोड़ी है। तो सर आपने मूवी देखी है या? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी फिल्म देखी है और बहुत मज़ा आया, और इस फिल्म में जिस तरह से एक मतलब बहुत वर्स वर्स भी है, लेकिन इस डन इन अ वेरी लाइट फन वे, तो एक बहुत अलग कॉमिक केपर जिसे कहते हैं, एक अलग जॉनर है, और इसमें हम लोग ने गाने भी दिए, और मुझे बहुत खुशी है कि पूरे गाने ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी एडिट में है, पूरा गाना प्रॉपरली पिक्चराइज है, वेरी वेल पिक्चराइज, और परफॉर्मेंस कमाल की हुई है अनुपम खेर साहब, ऑफकोर्स अनु कपूर, एंड द स्पेशल सरप्राइज डेफिनेटली इज़ मनीष पॉल, क्योंकि बहुत ही पॉलिश्ड एक्टिंग की है के मैनन, ऑफकोर्स बहुत मज़ा आ गया, और एक अलग किस्म की आजकल इस तरह का जो थ्रिलर जॉनर है
जिसमें कॉमेडी हो, एक बिल्कुल एक नया जॉनर है, तो लोगों को बहुत रिफ्रेशिंग और नया ज़रूर लगेगा। ओके, ये मूवी में ट्रेलर और इसके अलावा गाने को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। जी जी। और ये अगर मूवी में एक गाना चूज़ करना हो आपका, एक कोई फेवरेट, अगर सारे बट एक कोई? हाँ, हीर गाना बहुत हमें पर्सनली, हमारा रोशन और गौरव हमारे जो तीसरे पार्टनर है वो मिसिंग है आज, लेकिन हीर डेफिनेटली इज आवर फेवरेट सॉन्ग। अगर छड़के ना जा कुड़ी कोल तू मेरे बह जा, तेरे बिन दिल सूना लगदा, दिल विच आके रह जा, हीर 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 तैनू तत्ता रवा। आपके पूछने से पहले ही मैंने गा दिया। सर, इसके अलावा कोई अगर कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आप शेयर करना चाहें? नहीं, बिल्कुल, अभी और भी होपफुली चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जब तक होती नहीं है उनके बारे में बोलना आजकल मुश्किल होता है, क्योंकि लास्ट तक क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा कहना मुश्किल होता है। फिलहाल तो बाबा ब्लैक शिप। थैंक यू, थैंक यू। So sir, you have watched the movie, so how was the movie? It's a beautifully done movie, as a good story and well-paced film, and all the actors performed very well, very, very well. Yeah. Okay, if we talk about the performance, who have liked the most? Kher Saab, Anupam Kher Saab, and Manish Paul, Anu Kapoor Ji, and all the other actors. Okay, if Manjari, we talk about one thing you have liked the most about the movie? The concept. I've seen this concert is very interesting. The contract, it's all about the contract killer, and it's a very entertainment way they have treated it. Okay, lastly, we have seen your movie as well, Naam Shabana. Yeah. Any upcoming project you'd like to share? Working on, but it will take time. Yeah. Thank you, sir. Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service, quality and commitment. And that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai. इस पर कुछ रोशनी डालिए। रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है, और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में, कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं, और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं। तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।